हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो एकाल ACL 2 का क्वालिफायर था जहां पर ईस्ट बंगाल हर जाती है 3-2 से अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान क्लब अल्टिन असर, एक ऐसा क्लब जिसका मुझे नाम लेने सही से आता नहीं है, एक ऐसा क्लब जहां पर एक भी फॉरेनर नहीं था, एक ऐसा क्लब जो कि अवे खेल रहा था। ईस्ट बंगाल अपने होम फैंस के सामने थी, जो कि होम फैंस थे वो खतरनाक थे। ले रिस्पेक्ट भाई, मेरे को कमेंट्री की आवाज नहीं आ रही थी जितनी आवाज मुझे ईस्ट बंगाल चैंट्स आ रहे थे, बट ईस्ट बंगाल ने यहाँ पर मौका गवाया है। एंड कल का मैच को देख के ऑब्वियसली लगेगा कि यार मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, बिकॉज ईस्ट बंगाल के प्लेयर्स में वो चाह वो एफर्ट दिख ही नहीं रहा था, वो मेंटेलिटी को दिख ही नहीं रही थी कि यार हमें ACL 2 में जाना है। दे वर हैप्पी कि भाई जीत जाओ तुम लोग, हम जाएंगे थर्ड टायर पे। तो आइए बात करेंगे पूरे मैच के बारे में। तो ऑब्वियसली पहला एक जो टॉपिक चल रहा है कि भाई कार्ल स्कॉटरेट ने जिक्सन डेमेंटिकॉस एंड कौन है क्लेटन, इसको स्टार्ट क्यों नहीं करा, आपके फॉरेन प्लेयर्स को क्यों नहीं स्टार्ट करा है। अब ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है, तो जितना मैंने सुना था लोग बोल रहे थे कि ये लोग फिट नहीं थे, ठीक है, लोग बोल रहे थे कि लोग फिट नहीं थे 90 मिनट्स के लिए, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने स्टार्ट नहीं करा है। और वो डिफरेंस दिखा भी, जब सेकंड हाफ में आया डेमेंटिकॉस एंड बाकी जो प्लेयर्स आए थे सब्स्टिट्यूशन हुए थे तो वो चेंज हो चुका था, थोड़ा इंटेंट दिख रहा था यहाँ पर ईस्ट बंगाल से। लेकिन फर्स्ट हाफ के बारे में बात करेंगे भाई, वॉट वॉज दैट फर्स्ट हाफ में मैं आपको बताऊं, एक समरी देने की अगर आपको कोशिश करूंगा तो क्या हो रहा, हाफ लाइन रहता है तो अल्टिन असर के पास ऑलमोस्ट सब हर जगह टाइम था, ठीक है, हर टाइम पे उनके पास बॉल था। वो लोग क्या कर रहे थे, हाफ लाइन था उसके थोड़ा पीछे उनके 2 सेंटर बैक थे, एक मिडफील्डर था एंड उनका एक लेफ्ट बैक था, ठीक है। वो लोग आपस में बॉल चला रहे थे, ठीक है, कि भाई यहां से वह, ठीक है, आपस में बॉल चला रहे थे और वो दिख रहा था कि दे वर नॉट कंफर्टेबल ऑन द बॉल, ठीक है, आपस में आराम से कोई दिक्कत नहीं। बट तलाल था आगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे डेविड था, लेफ्ट हैंड साइड पे नंदा कुमार था, वो प्लेयर में ये तीनों के ऊपर मुझे एक एक पर्सन का भी एफर्ट नहीं दिखा। पूरा ईस्ट बंगाल टीम दे वर लाइक कि भाई आप रख लो अल्टिन असर, आप बॉल है भाई, आप तुर्कमेनिस्तान के क्लब हो, आप अपना बॉल रख दो, ये खुद के बॉल भी रखो, खुद के जो बॉल है वो भी रखो और फुटबॉल का भी बॉल रख दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो कल जो अल्टिन असर का जो प्लान था वो बहुत सक्सेसफुल था, एंड जो प्लान था ना भाई उसमें मैं बोलूंगा कि जो साथ दिया है वो ईस्ट बंगाल ने दिया, बिकॉज ईस्ट बंगाल को इतना अक्कल नहीं है, ठीक है 5-10 मिनट 15 मिनट चलता है, बट आपको इतना अक्ल नहीं आया कि भाई आप थोड़ा तो प्रेशर डालो, आप क्यों होम फैंस के सामने आ रहे हो भाई, लोगों ने पैसे दिए तो क्यों दिए, आपको चीयर अप करने के लिए ना भाई, आप तो बस बैठे हो भाई, बस हाँ कुछ दिक्कत नहीं भाई। क्या किया था मैं बताओ, अल्टिन असर के जो प्लेयर्स वगैरह थे, ठीक है, हाफ लाइन में जो कि मैंने बोला आपको एक्सप्लेन किया, दो सेंटर बैक ये आपस में बॉल डाल रहे थे, एंड थोड़ा पैसे जो टाइम में दो दो तीन तीन मिनट में लॉन्ग बॉल डाल रहे थे। ऑब्वियसली पहला बॉल जो ईस्ट बंगाल ने डाला वो डेविड का था, वो भी हैंड बॉल लग रहा था, बट ठीक है वो दे दिया। उसके बाद से अगर आप बात करेंगे, और जो गोल खाया अल्टिन असर ने उसके पहले भी और उसके बाद भी, पूरा हाफ क्या करते, थोड़ा 1-2 मिनट पास करेंगे एंड लॉन्ग बॉल डालेंगे। और डिफेंस के बारे में तो मैं बोलूंगा ना भाई, अगर ये ऐसा डिफेंस अगर ISL में भी खेलेंगे ना भाई, हैदराबाद तो ठीक है, पंजाब FC ये लोग तोड़ देंगे भाई, जो ईस्ट बंगाल इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग की ना भाई, इनको चेन्नई FC हरा देगी, इनको पंजाब FC हरा देगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज कल का जो डिफेंस था पैथेटिक भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि बंदे लोग आपके पीछे से रन डाल रहे हैं फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे, और ऐसा नहीं कि चलो ठीक है 1-2 बार भाई वो कंटिन्यूसली हो रहा था, फिर भी आपको दिमाग में वो बल्ब चलाने की भाई थोड़ा कुछ कर लो, और लालचुनुंगा हिजाजी वो मामसुतन पुया एंड अपना विष्णु, एंड आई एम हैप्पी ये ईस्ट बंगाल ACL 2 में नहीं की, अगर सेकंड टायर पे जाती विद दिस डिफेंसिव परफॉर्मेंस तो भाई हर मैच में हमें देखने मिलता 6-0, 7-0 ये स्कोर लाइन होती, मैं सच बता रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू ये जो डिफेंस, ये जो लाइन, ये जो पूरा स्कोर है ईस्ट बंगाल का भले बहुत अच्छा है, भले आपने बड़े बड़े साइनिंग्स किए डेमेंटिकॉस ये वगैरह, बट भाई इनके जो डिफेंस है, और पहले मैं बोला था कि चलो ठीक है सेंटर बैक तो कर लेंगे, अभी तो अनवर अली भी आ चुका है, बट जो इनके फुलबैक्स है भाई, फुलबैक्स को कच्चा चबा जाएंगे, सामने वाले कोई भी टीम हो ना भाई कच्चा चबा जाएंगे फुलबैक्स के लिए, इट विल बी अ नाइटमेयर ऑफ द सीजन, मैं बता रहा हूं। अगर वो सही से नहीं खेलते, अगर उन्होंने चौपे इंजिन कुछ नहीं किए, ठीक है, अगर वो राकिब के साथ गए, अगर वो लोग मार्कजुतन पे के साथ गए, निशु खाबरा ये लोग रहेंगे ना भाई, दे विल हैव अ हेक ऑफ अ सीजन, तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा कार्ल स्कॉटरेट को, या तो बैकअप करो या तो कुछ भी करो, बट दे नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन, बिकॉज ये डिफेंस के साथ डेफिनेटली ISL में तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते भाई, अगेंस्ट टॉप टॉप टीम्स यू आर गॉन। और तो और जो ACL 3 टायर भी ये लोग खेलने वाले हैं तो वहां पर भी ऐसा कंफर्म नहीं है, बिकॉज वहां पर बसुंधरा किंग्स है, और बसुंधरा किंग्स ने लास्ट टाइम मोहन बगान को मारा था, और ये बार भी मैं बोला था कि ईस्ट बंगाल मार देंगे भाई, बीट कर देंगे, एंड इट विल बी टफ, ठीक है टीम्स वगैरह ओके देगी भाई, ईस्ट बंगाल अगर ऐसा खेलेगी तो भाई ईस्ट बंगाल
एशिया में भी जो थर्ड टायर है वहां पर भी नाम खराब करेगी। तो फर्स्ट हाफ तो ऐसा था, ठीक है, गोल्स वगैरह मारे, फ्री किक मारा, प्रभसुकन गिल भाई दोनों गोल जो भी उसने खाए वो देख रहा है भाई क्या कर रहा है, कम ऑन भाई क्या कर रहा है, थर्ड डाई तो मार, एफर्ट तो डाल, तू जज नहीं कर पा रहा है, यू आर नॉट इवन जजिंग द बॉल कि भाई सही से आ रहा नहीं। तो वो तो मैं बोलूंगा कि भाई गिल की गलती है मेरे हिसाब से थोड़ी, तो बिकॉज यू हैव टू जज द बॉल। फ्री किक तो मैं बोलूंगा कि उसकी गलती है, बाकी जो पहला गोल था ठीक है चिप था वगैरह समझ सकते हैं, बट जो फ्री किक था वो तो मैं बोलूंगा कि भाई गिल की गलती है। सेकेंड हाफ में चेंजेस हुए, इंटेंट आया और वो दिखा साफ। अगर आप बात करोगे जो गोल था सॉल क्रेस्पो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इट वॉज ऑल इंडिविजुअल ब्रिलियंस में बात करूंगा कि अगर बात करें वो काफी अच्छा गोल था सॉल क्रेस्पो का। एंड कोई लोग बोल रहे कि यार भाई रेफरी अल्टिनसर के साथ था, कितनी ओवर एक्टिंग की। कल का अगर मैच देखोगे अल्टिनसर का, दे वर प्ले ब्रिलियंटली, मेरे को इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थे, ठीक है। अभी क्या है ना कि मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी उनके लिए कि भाई यहाँ पर 40,000 फैंस या तो 30-40,000 फैंस के सामने आपने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, वो भी अवे जाके, खुद के दूसरे के घर पे जाके। बस एक जो है कि वो ओवर एक्टिंग बहुत कर रहे थे। अगर आप बात करें उनकी जो फिनिशिंग स्किल्स थी ना भाई, उससे अच्छी तो इनकी एक्टिंग स्किल्स थी। लोग इतना एक्टिंग कर रहे थे ना भाई, अगर फिनिशिंग पे इतना काम कर देते, फिनिशिंग पे इतना काम करते कि फिनिशिंग थोड़ा अच्छा करते, कल 5-6 आराम से खाते। तो ईस्ट बंगाल जो बोल रहे कि यार ओवर एक्टिंग कर रहे थे, रेफरी हमारे साइड नहीं था, हमारा जो तीसरा गोल था, ठीक है, जो लोग बोल रहे कि भाई कैंसिल क्यों किया, आप अगर आप ये सब बोल रहे हो तो भाई अल्टरनेसर तो आपको 5-6 मार देती है, 5-6 गोल आराम से मारती। ये स्कोर नहीं जो 3-2 दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ यार कॉम्पिटेटिव मैच था, देयर वाज नो भाई, बिकॉज ईस्ट बंगाल का जो पूरी टीम थी वो देख के मुझे लगा ही नहीं कि क्या कर रहे हैं लोग। बिकॉज प्लेयर्स का जो पहला हाफ था, सेकंड हाफ तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बेटर था। सॉल क्रेस्पो और सॉविक भाई, इनकी मिडफील्ड गंदी है। सॉल क्रेस्पो स्लो भाई, कितना स्लो था बॉल पे। सॉविक चक्रवर्ती तो भाई भाई राम राम भाई राम राम, मैं सॉरी भाई मैं नहीं देख सकता सॉविक चक्रवर्ती को, ठीक है ईस्ट बंगाल फैंस के लिए बहुत अच्छा प्लेयर रहेगा, बट भाई कल जो उसने दिखाया है भाई, उसके पास बॉल आ रही है पीछे से प्लेयर झपट के लेके जा रहा है, क्या चल क्या रहा है, अवेयरनेस कहां पर है पीछे, यू आर अ मिडफील्डर ना भाई, यू हैव टू स्कैन एवरीवेयर, पीछे से बॉल आ रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल है, मैं बात करूंगा। एंड सेकंड हाफ में ठीक है डेमेंटोस वगैरह आए, चांसेस 1-2 बनाए, बट कल का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज रियली शैम्बोलिक। और तलाल भाई, तलाल को लगता है वो खुद मेसी है, तलाल तो भाई उसको भाव ही नहीं है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वहां पर टीम डिफेंस में हग रही है, स्ट्रगल कर रही है, हम तो आराम से घूमेंगे भाई, ब्लड थिंग्स इज मेसी। जो तलाल है वो सोचता है कि मैं तो मेसी हूं, मैं तो उसी बॉल के साथ ही कुछ करूंगा, तो ऑल्दो वो बॉल पे अच्छा था ठीक था, बट उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट, कल पूरी टीम का ऑफ द बॉल मूवमेंट खंदा था भाई, व्हाट वर यू डूइंग, आप तो चढ़ ही नहीं रहे थे, आप अगर एटलीस्ट आप प्रेशर डालते तो इस जो अल्टीनेसर के जो प्लेयर्स है वो थोड़ा हिचकिचाते, थोड़ा बॉल मिस पास करते, आप लोग क्या करते भाई, हम तो बैठेंगे, बोलो जब भी मिस्टेक करेंगे, बोलो मिस पास करके हमें पास देंगे तब हम झपट्टा मारेंगे, ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा नहीं होता, आपको प्रेशर डालना पड़ता है, और वो प्रेशर डालते डालते आपको 1-2 बॉल्स मिलेंगे ही। तो कल का गंदा परफॉर्मेंस था भाई मेरे हिसाब से, एंड ऑब्वियसली भाई ट्रोल तो होंगे ही, अभी मोहन बगान फैंस का तो रुतबा बहुत तगड़ा हो गया रहेगा भाई, ट्रोलिंग तो गंदी लेवल की। तो ऐसे ईस्ट बंगाल फैंस मैं तो बोलूंगा भाई 18 तारीख का वेट करो, जो होप करो कि जितना जल्दी आ सके 18 तारीख वो आ जाए, वो डर्बी खेलो आप और वो डर्बी में आप जीत जाओ, अगर वहां पर भी आप हार जाते हो तो फिर आपका तो नेक्स्ट डर्बी तक तो आपको बहुत ट्रोल किया जाएगा, तो अभी भी ट्रोल किया जा रहे हैं। तो भाई एज ए ईस्ट बंगाल फैन भाई थोड़े बैड टाइम्स चल रहे हैं, बिकॉज आफ्टर सो मच साइनिंग, आपने साइनिंग इतनी तगड़ी कर दी, पर आपने जो परफॉर्मेंस था वो गद्दा दिया भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। आई नो इट्स अ फर्स्ट मैच, मैं ओवर रिएक्शन नहीं करता, आई जस्ट होप कि जो परफॉर्मेंस है इससे कुछ सीखे एंड अच्छा परफॉर्मेंस दे नेक्स्ट मैचेस में या तो अपकमिंग मैचेस में। तो भाई ये था थोड़ा शॉर्ट प्रीव्यू टाइप, सॉरी रिव्यू टाइप, आपका क्या कहना है कल के मैच के ऊपर, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और क्या लगता है ईस्ट बंगाल सुधर पाएगी या ऐसे ही खेलती रहेगी, चाहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर।